आर सोनी न्यूज खबर आप, आर सोनी न्यूज खबर आप। मेहरोली थाने की पुलिस ने एक ऐसे रॉबर को पकड़ा है जिसने अपने साथ ही की रोबरी की झूठी ही साजिश रची थी। वह 3 लाख रुपए लेकर गायब करने में कामयाब भी हो गया था, लेकिन पुलिस की थोड़ी सख्ती के बाद उसने तोते की तरह बोलना भी शुरू कर दिया और अपने सारे राज उगल दिए। पुलिस ने रॉबर की वारदात महज 4 घंटे में सॉल्व कर ली है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में इस चेहरे को गौर से देखिए। नाम किशन, उम्र 21 साल। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स अपनी ही रॉबरी की साजिश में आज पुलिस के शिकंजे में है। ऑनलाइन गैम्बलिंग की आदत से मजबूर था और साजिशकर्ता ऑनलाइन गैम्बलिंग की बुरी आदत की वजह से इसके ऊपर लाखों रुपए का कर्ज भी था, जिसे चुकाने के लिए उसने अपने ही मालिक के 3 लाख रुपए उड़ाने की साजिश रची और उस वारदात में वो कामयाब भी हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सबूत ऐसे मिले दिल्ली पुलिस को, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसको हिरासत में लिया और इससे सख्ती से पूछताछ करी तो इसने अपने सारे राज उगल दिए। सोमवार की घटना है और जिस वक्त ये अपनी दुकान से मालिक के तकरीबन 3 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने निकला था, तभी इसके मन में इस तरीके की वारदात सामने आई और इसने एक रॉबरी की झूठी घटना को अंजाम दिया और मालिक की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। क्या नाम है तुम्हारा? श्री कैसन। हैं? श्री कैसन। कैसे करते थे ये बताओ। सर मैं एक दो मैंने सट्टा खेला था तो हार गया था। मैंने गलती से मैंने कहा कि नहीं, जो पैसे होंगे मैं दे दूंगा वापसी बाद में, मगर इस हट्टे के दे देता हूँ। सर मेरे भाई बहन जान जाते हैं, मेरे मम्मी पापा मारते बहुत, इसलिए मैंने गलती से काम किया। कभी जीवन में सुई नहीं किसी की चुराई। अच्छा,